करके भाषण दिलवा दो साहब। ये सब सदन चाहता है कि वो जय वाली सीट पे खड़े होकर भाषण दे सकते हैं, इतनी अनुमति दे दो आप। और राठौड़ साहब ये बताना, राठौड़ी सुनना, राजस्थान सुनना चाहता है राजेंद्र राठौड़ के मुंह से कि राठौड़ी में कितना दम है, कौन लोग हैं जो राठौड़ों को रोकना चाहते हैं विपक्ष के नेता बनने से। हम आपकी मदद करेंगे, राठौड़ी में दम है, राजस्थान में राठौड़ी इतनी कमजोर नहीं हुई है अभी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है सभापति जी। राठौड़ पूरे राजस्थान, ये राजपूताना की धरती, आपको जो लोग रोक रहे हैं तो सदन में विपक्ष के नेता बनने से बताना जरूर। आप कहें तो सदन में वोटिंग करा सभापति करेंगे, नहीं वोटिंग करा तो आपके पक्ष में। सभापति महोदय, प्लीज प्लीज, 4 साल से लगातार अंतर्द्वंद में फंसी सरकार के अंतिम बजट का पारण के स्टेज पर विचार कर रहा है। सभापति महोदय, मैंने बजट को पढ़ा, बजट के प्रावधानों को पढ़ा, और मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं ये बजट धरती पर नहीं आएगा, ये आभासी बजट है, ये कपोल कल्पित बजट है, ये चुनाव से भयक्रांत होकर जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। सभापति महोदय, मैंने अभी सत्ता पक्ष के 4 मान्य सदस्यों को और एक मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर से लटके सलाहकार का भाषण सुना। मैं उम्मीद कर रहा था कि अब 4 साल बाद वो इस बात को सदन में रखते कि 4 साल और हमारे इस अंतिम बजट में हमने अब तक जितने बजट रखे, हमने अब तक बजट के माध्यम से इस जन आवाम से जो वादे किए उन पर, इतने वादों पर हम खरे उतरे, वो है 2,33,988 करोड़, और इसमें सरकार का खुद का ऑन टैक्स रेवेन्यू 1,14,159 करोड़, केंद्रीय करों में हिस्सा ये आप ही की किताब है 61,552 करोड़, और केंद्रीय सहायता 33,981 करोड़, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 24,284। यहाँ मुझसे पहले बोलते हुए बहुत से सत्तारूढ़ दल के वक्ताओं ने कई बातें केंद्र के बारे में कही। सभापति महोदय, ये तो हर अर्थशास्त्र को जानने वाला जानता है कि हमारे पास अगर पैसा होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारे पास पैसा होगा, हम हमारे विकास के कामों को अंजाम दे पाएंगे। अब इस रेवेन्यू रिसिप्ट में केंद्रीय करों का हिस्सा और ये केंद्रीय अनुदान 61,552 और 33,981 कुल मिला के सभापति महोदय राशि होती है 95,533, यानी जिस सरकार के में सरकार के लोग केंद्रीय सरकार को पानी पीपे कर बात करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हमारा वित्त फाइनेंस कमीशन से मिली हुई रिकमेंडेशन के आधार पर पैसा आता है, पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाले लोगों को यह तो सोचना चाहिए कि कुल रेवेन्यू रिसिप्ट का लगभग 40% से ज्यादा पैसा ये केंद्रीय करों में हिस्सा और हमारी केंद्रीय करों के अनुदान से आ रहा है। सभापति महोदय, ये जो सबसे बड़ी चिंता की बात जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के लिए भी चिंता की बात है। मुख्यमंत्री जी, आपकी बजट साइज है 3,90,856 करोड़, और आपने की कुल राजस्व प्राप्तियां जो मैंने पहले बताया 2,33,988 करोड़, यानी दोनों में अंतर है जो 1,56,868 करोड़ रुपए, ये 1,56,868 करोड़ रुपए ये आप कहां से लेंगे? आपके पास दो ही चारे हैं, पब्लिक अकाउंट से आप कर्जा लें, नेट बोरोइंग लें। और ये जो मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे, ये बात सही है, FRBM एक्ट आया हमें राज्य सरकारों को अनुशासन की परिधि में बांधने के लिए आया, GSDP का 38.5% से ज्यादा आप बोरोइंग कर नहीं सकते। यक्ष प्रश्न ये उठता है कि इस 38.5% की इस नेट बोरोइंग की लिमिट को, हो सकता है मैं भी रॉन्ग, वांटेड टू बी रॉन्ग, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं, पर मैंने